बिहार के मुंगेर में लोजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ये आयोजन लोजपा कार्यालय में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यकर्ताओं ने दल बदल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले बड़ी संख्या में जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निंदा की गई है। पार्टी नेताओं ने पार्टी छोड़ने वालों को स्वार्थी और गद्दार करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, हमारी पार्टी टूटी नहीं है और कमजोर नहीं हुई है। हमारे पार्टी के लोग नहीं भागे हैं, जो भागे हैं वो भगवा है और हमारी पार्टी के नहीं। पार्टी पहले जनता दल में थी, 2000 में हमारी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी बनी। उस समय से मैं पार्टी में हूँ। पार्टी बहुत उतार उतार और चढ़ाव देखा। जिस समय कोई नहीं था तो केला में झंडा लेके घूमता था, लोग मुझे बुलबक बनाता था कि क्या घूम रहे हैं पार्टी। और जब पार्टी का मेरा ग्राफ बढ़ा, 29 MLA हुआ, उस समय भी देखा मैं कि पार्टी के सब MLA भाग गए और हम लोग ऐसे रह गए। फिर दोबारा चुनाव जब हुआ तब 9 MLA मेरा जीत के आया। उसके बाद 9 MLA में मेरे MLC जब बनाया, उस समय भी रामविलास पासवान ने उच्च वर्ग के लोग को MLC बनाने का काम किया। वो आदमी थे संजय सिंह, को भी जदयू के प्रवक्ता हैं, उनको राजनीति का ज्ञान लोक जनशक्ति पार्टी ने ही दिया। और जब रेलवे के मंत्री बने थे रामविलास जी, रेलवे बोर्ड का भारतीय बोर्ड का चेयरमैन दो बनाए, दोनों उच्च वर्ग को बनाए, तो रामविलास पासवान कभी घबराया नहीं और बहुत मेहनत से मजबूती से हिमालय से कन्याकुमारी तक पार्टी का स्थापना किया। पार्टी को मजबूती के साथ अभी मणिपुर में भी मेरा मंत्री है NDA सरकार। तो पार्टी का जो काम है सबको लेकर के चलना, सबका साथ सबका विकास, ये काम मैं पहले से करते आ रहा हूँ। और आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो कृति है वो सब जाति के अंदर है। आज लोग हमारे पार्टी को तोड़ने पर चले हैं, लेकिन पता नहीं है कि हमारा पार्टी वो नहीं था। केशव बाबू हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव थे, चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, दो चुनाव वो लड़ चुके थे, इसलिए वो पार्टी से पहले भाग गए थे। सुभाष पासवान जी हमारे अच्छे मित्र थे और जम्मू जिला के अध्यक्ष भी थे, लेकिन जब वो चुनाव दो बार हार चुके थे, तीसरा बार उनको टिकट नहीं मिला, तब वो पार्टी छोड़ के चले गए। ये पार्टी छोड़ के नहीं चले गए, मेरी पार्टी उनको दोबारा लड़ गए निर्दलीय चुनाव, मैंने पार्टी उनको निकाल दिया था पहले ही। इसी सब को लेकर के लोग ढोल बजा रहे हैं। हम तो कहते हैं दावे के साथ कि 10 आदमी को प्रूव कर दें कि जिसको कि हमारा प्राथमिक सदस्य है, 10 वो आदमी उसका नहीं है, क्योंकि हमारा प्राथमिक सदस्य नहीं है। और वो लोग को गिनती करा के बोलते हैं, जितने लोग निकले हैं उसमें आधे से अधिक का नाम वो बताते हैं कुशवाहा। अभी ले मनोज कुशवाहा हमारा कहीं कोई कार्यकर्ता जमुई जिला में है ही नहीं और उसको लिखते हैं जमुई जिला का जिला अध्यक्ष है। मैंने पार्टी को तोड़ने में और जोड़ने में भी घोटाला है नीतीश जी के सरकार, समझिए यही बात।